गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज योर टीचर फॉर द फिजिक्स पंकज मानेकर। और हम प्रीवियस क्लास में बेटा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स देख रहे थे कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के, तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस के सभी तरीके के जो आड़े तिरछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया था, है ना। थर्ड क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन राइट इट डाउन। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इन एन इक्वेशन पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वॉट आर डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ये जो आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी जो यहाँ लिखा है इस इक्वेशन में, इसको इसका डायमेंशन क्या होगा, जबकि जो अदर क्वांटिटीज है यहाँ पे बताई गई है कि जो पी लिखा है दैट इज अ प्रेशर, वी इज फॉर अ वॉल्यूम, आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर। दोस्तों एक बात समझिएगा, इस इक्वेशन को वैसे तो वांडरवाल्स इक्वेशन कहते हैं, बट वांडरवाल्स इक्वेशन अभी आपने नहीं पढ़ा, आपको वो समझने की जरूरत भी नहीं है कि वो क्या है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। देखिए वांडरवाल इक्वेशन में हमें क्या बताया गया है, दैट पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, जबकि पी इज अ प्रेशर वी इज अ वॉल्यूम, इंटू वी माइनस बी, यहाँ जो है ना दोस्तों आर इंटू टी मतलब गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर एक और कॉन्स्टेंट होता है। लेट अस कंसिडर दैट दिस इज सम कॉन्स्टेंट एंड वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। हमें बोला गया ए का और बी का डायमेंशन क्या है, आप इस इक्वेशन से निकालिए। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं, एकदम फर्स्ट इंस्टेंस में हमें ये बात पता है कि इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ऐड कर सकते हो या उन्हीं टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या उन्हीं टर्म्स को इक्वेट कर सकते हो जिनका डायमेंशन सेम है। इसका मतलब अब हम प्रेशर में, प्रेशर के क्वांटिटी में ए और ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। सीधा मतलब है कि प्रेशर का डायमेंशन और ए बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सिमिलरली वी में से हम वॉल्यूम में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उन्हीं क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनका डायमेंशन सेम है, तो बी का डायमेंशन वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो हम सीधा लिखते हैं फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बेटा उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए जिनका डायमेंशन सेम है। देयरफॉर हम लिखते हैं फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दिस डायमेंशन ऑफ प्रेशर हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर। इस हिसाब से मैं डायमेंशन ऑफ ए बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ ए एक तरफ रखेंगे और वॉल्यूम स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर एंड दिस विल बी योर डायमेंशन ऑफ ए। कैसे निकालोगे आप, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर वॉल्यूम का स्क्वायर होने वाला है वो अपन देखेंगे। फोर्स का जो डायमेंशन है वो याद होना चाहिए, दैट इज एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, है ना। एरिया का डायमेंशन कैसे एल स्क्वायर, अगर इस बोर्ड का आपको एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू हाइट करते हैं। लेंथ भी, लेंथ तो लेंथ है ही बट हाइट भी एक तरीके से लेंथ ही होती है। हाइट क्या है, लंबाई तो है, बस ऐसे वर्टिकल सेक्शन में लिया तो उसको हाइट बोलने लगे। तो यहाँ पर एरिया का जो डायमेंशन है लेंथ इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो दोस्तों लेंथ ठीक है, इंटू विड्थ किया वो भी लेंथ है और इंटू हाइट किया वो भी एक लेंथ है, तो हम लिखेंगे एल क्यूब। तीन बार लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ा और उसका स्क्वायर। यहाँ से ये एल वन और एक एल कट गया, ये बचेगा एम वन टी माइनस टू अपॉन एल,
और आप यहाँ पे एल क्यूब और उसका स्क्वायर है तो ये एल टू द पावर सिक्स कर लीजिए, ये एल यहाँ से कट के फाइव बचेगा। तो मैं यहाँ से काटने का ऐसा दिखाता नहीं, बस कट जाएगा यहाँ पे सिर्फ एक एक एल, एल टू द पावर सिक्स में से एक एल यहाँ पे कटेगा, क्या बचा एम वन एल टू द पावर फाइव टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ ए, ये है आपका डायमेंशन ऑफ ए। हमने क्या यूज किया, होमोजेनिटी का इक्वेशन, कैसे कि हम उन्हीं टर्म्स को ऐड कर सकते हैं जिनका के डायमेंशन सेम होता है। तो क्योंकि प्रेशर के क्वांटिटी में ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर को ऐड किया गया है तो प्रेशर का डायमेंशन ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर के इक्वल होगा, इसलिए डायमेंशन ऑफ ए को यही रख दिया और वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और फिर प्रेशर वॉल्यूम का ये सब कैलकुलेशन करते हुए हमें यह आंसर मिला। सिमिलरली हम कहेंगे सिंस B is subtracted, B को किसमें से subtract किया गया है, subtracted from V, B must have dimension same as V, क्योंकि B को V से ही सब्ट्रैक्ट किया गया है तो हम उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। इसका मतलब B का और V का डायमेंशन सेम है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम और इसीलिए डायमेंशन ऑफ B क्या होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब, ये हमने अभी अभी देखा है। ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, सादा है, पर क्योंकि ये टाइप है तो मुझे बताना भी ज़रूरी होगा। चलो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए और फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। बस थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन बन जाता है और मेरा काम है कि आपको उस तरीके के सभी क्वेश्चन से एक बार फैमिलियर कराना। तो ये मेरा है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स से भी आते हैं, बट आप उसमें से पढ़ने पड़ेंगे तो फिर आपको समझेगा नहीं समझेगा, ज़रूरी है कि मैं आपको समझाऊं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव को आप लिख लीजिए, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ अ स्ट्रिंग मे डिपेंड्स अपॉन लेंथ of the string, tension of the string and mass per unit length m. Derive formula for mu, mu मतलब frequency, by method of dimension. मैं आपको पहले इसका एक preliminary चीज बता देता हूँ। ऐसा consider करिए कि हमने क्या किया, एक string लिया, एक धागा लिया और इसको यहाँ पे ऐसे दो rigid support से बांध दिया और इसको यहाँ से ऐसे pluck किया। If we pluck this string, तो string में क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रिंग में एक वेव सेटअप हो जाएगी, ऐसे ही वो ऊपर नीचे करने लगेगा ऐसे और ऐसे, आपको ऐसे ये डॉट्स में ऐसे दिखेगा वो ऐसे 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 ऐसे, तो वाइब्रेट होने लगेगा, ऑसिलेट होने लगेगा। हमने ऑसिलेशन का इंट्रोडक्शन है ना, एक ऐसे 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 आप एक धागे को बहुत टाइटली बांधेंगे उसको खींच लीजिए ऐसे प्लग करिए तो वो ऐसे ऑसिलेट करता है या है ना वाइब्रेट करता है। तो वो कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन लेंथ, किस पे डिपेंड करेगा, इस धागे के लंबाई पे लेंथ पे, ऐसा उसका कहना है ना लेंथ, देन वो कहता है मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन, मतलब कितना टाइटली उसको आप बांधोगे वो टेंशन, टेंशन टी, मास पर यूनिट लेंथ एम और लेंथ एल। देखिए लेंथ एल, ये टेंशन टी और मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम। यहां एक बात ध्यान में रखिए, जो हमने कैपिटल टी लिखा है दोस्तों वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना के टाइम है। आपके बस सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कैपिटल टी के जगह पे स्मॉल टी लिखता हूँ। जब अब क्वेश्चन में जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उसमें कैपिटल टी दिया हुआ है, पर क्योंकि आप कैपिटल टी से कंफ्यूज हो सकते हो तो मैं आपके लिए स्मॉल टी लेने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो किस पे जरूरी है सर? डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी लेंथ के ऊपर, इसमें बने हुए धागे में बने हुए टेंशन के ऊपर, और उस धागे का मास कितना है, मास पर यूनिट लेंथ कितना है, इन चीजों के ऊपर। थोड़ा सा ये एडवांस फॉर्मूले का क्वेश्चन हो गया, शायद आपको ये फॉर्मूला अभी ध्यान में ना आए, पर मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हम एक बात बहुत अच्छे से अभी तक अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल फंडा आप समझिए कि एक कोई बंदा जो है वो एक बार ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है, गोल 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 गोल, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है। तो अगर वो 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में 10 चक्कर, तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। दोस्तों, इसका मतलब है कि एक पूरी साइकिल या एक पूरा ऑस्टिलेशन, कितने ऐसे नंबर ऑफ कितने ऑस्टिलेशन 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में कोई बॉडी कंप्लीट करती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ ऑस्टिलेशंस या नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम या 1 यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितनी बार वो अपनी साइकिल या ऑस्टिलेशन कंप्लीट करता है, हम उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअली तो फ्रीक्वेंसी समझ भी जाओगे, मैं आपको फॉर्मूला वाइज बता देता हूँ। फॉर्म्यूला ऑफ फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपको पता नहीं है अभी इस मोमेंट पे, बस इसीलिए बता रहा हूं, दैट फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1/ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल मतलब 1/ टाइम पीरियड ही फ्रीक्वेंसी होता है। देयर फोर मैं एक आपको बात बता दूं कि फ्रीक्वेंसी का अगर आप ये निकालने जाओगे डायमेंशन, तो 1/ टाइम आएगा, 1/ टाइम, इसी का मतलब है टाइम टू द पावर -1 आएगा। या आप इसको इक्वेशन ए देकर रख दीजिए, ठीक है। क्या आने वाला है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/ टाइम, देखो ये 1/ टाइम पीरियड उसका फॉर्मूला है, तो टाइम इनवर्स इज इट्स डायमेंशन। ओके, नाउ अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमारे पास एक मेथड है, दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर, टेंशन टी के ऊपर, और मास पर यूनिट लेंथ। एक बात समझना, ये स्मॉल एम सिर्फ मास नहीं है, वो मास पर यूनिट लेंथ है। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी जब आएगा तब बताऊंगा, पर हमारा टेक्निक क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन लेंथ, टाइम, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। कितने प्रोपोर्शन में हम नहीं जानते तो हम वो ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, एक्स टू द पावर लेंथ टू द पावर एक्स, टेंशन टू द पावर वाई, और मास टू द पावर जेड। तो दोस्तों, न्यू इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इंटू, ये हो जाएगा आपका लेंथ टू द पावर एक्स, टेंशन टू द पावर वाई, मास टू द पावर जेड। टेक दिस एज कैपिटल रोमन इक्वेशन 1। नाउ डायमेंशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, फॉर्मूला डेरिवेशन का टेक्निक क्या है कि दोनों तरफ के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो हमें ये पता चल चुका है कि इसका जो LHS है, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है मतलब फ्रीक्वेंसी, उसका डायमेंशन क्या है। हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ LHS मतलब ही फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, वो होगा 1/ टाइम पीरियड मतलब टाइम इनवर्स। लिखते वक्त मैं इसको लिखता हूँ m^0, है ना, length^0 बट time^-1, एंड लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन ए। नाउ डायमेंशन ऑफ RHS भी देखना होगा, डायमेंशन ऑफ RHS वो कैसे निकालोगे, तो देख लीजिए कैसे होगा। डायमेंशन ऑफ लेंथ टू द पावर एक्स, डायमेंशन ऑफ टेंशन टू द पावर वाई, और डायमेंशन ऑफ मास टू द पावर जेड। एक बात अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ दोस्तों, लेंथ तो लेंथ होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेंथ का डायमेंशन लेंथ टू द पावर एक्स, बट ये जो स्मॉल टी है वो क्या है, टेंशन। टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स,
टेंशन ये एक फोर्स का ही प्रकार है, टेंशन इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ ए फोर्स, फोर्स का ही एक कैटेगरी, एक फॉर्म है उसका बस। जसं आपण म्हणतो देवीचे वेगळे वेगळे फॉर्म असतात, जसं काली देवी आहे वेगळी, किंवा दुर्गा देवी आहे, किंवा सरस्वती देवी आहे, आपण वेगळं वेगळं त्यांची पूजा करतो, बिलकुल सिमिलर आहे। फोर्स के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कोई सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, कोई टेंशन के फॉर्म में अपीयर होता है कि नहीं। तो ये एक कैटेगरी है, टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स। और जैसे ही हमें पता चला टेंशन इज फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या, ये डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t -2, और उसका पावर हो जाएगा y। अब ये स्मॉल एन जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, स्मॉल एन मतलब आपको लगेगा मास है, पर यहाँ डिफाइंड क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन लेंथ, टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऐसा होता है मास पर यूनिट लेंथ। इसीलिए उसका डायमेंशन लिया m/l raised to power z। थोड़ा सा ज्यादा हेवी फॉर्मूले या अलग फॉर्मूले के हिसाब से ये क्वेश्चन हो चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप उसको समझ सकते हो। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से, थोड़ा सा और प्यार से, और थोड़ा सा गौर से देखोगे, आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को, डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो ये हो गया लेंथ टू द पावर एक्स, क्योंकि ये लेंथ है। टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स, तो m1 l1 t -2, और स्मॉल m ये मास ना होते हुए मास पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसीलिए मैं m/l लेता हूँ। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा लेंथ टू द पावर x। अब y का पावर दे दीजिए हर एक को, मास टू द पावर y, यहाँ पे जिस लेंथ टू द पावर भी y हो जाएगा, और टाइम टू द पावर -2y, और ये होगा मास टू द पावर z इनटू, ये लेंथ ऊपर से आएगा तो -1 होगा, इसीलिए मास टू द पावर z और लेंथ टू द पावर -z, ऐसा होगा। अब आप सभी मास के टर्म्स को एक साथ ले, ये m टू द पावर y है और ये m टू द पावर z है, तो ये हो जाएगा दोस्तों m टू द पावर y प्लस z, बेस सेम तो पावर की एडिशन। अब लेंथ को एक जगह ले आइए, यहां पर लेंथ है, यहां पर लेंथ है, यहां पर लेंथ है, तो ये होगा लेंथ टू द पावर x प्लस y माइनस z, और टाइम का जो डायमेंशन बचा वो हुआ आपका टाइम टू द पावर -2y। टेक दिस एज इक्वेशन बी। अब हम बोलेंगे फ्रॉम ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी, क्योंकि LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसको इक्वेट कर लो। ये होगा मास टू द पावर 0, लेंथ टू द पावर 0 और टाइम टू द पावर -1, विच इज इक्वल टू मास टू द पावर y+z, लेंथ टू द पावर x+y-z और टाइम टू द पावर -2y, ऐसे होने जा रहा है। तो अब इनको कंपेयर जब हम करेंगे, तो मास का पावर 0 है, यहां पर मास का पावर y+z है, हमने लिखा y+z = 0, लेंथ का पावर 0 है और यहां लेंथ का पावर x+y-z = 0 है, यहां पर टाइम का पावर -1 और यहां टाइम का पावर -2y, तो ये हो जाएगा -1 = -2y, ये माइनस और माइनस कैंसल्ड, y का वैल्यू हुआ 1/2। इस y की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ मैं इसको ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि ये आ गई है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये 1/2 + z = 0 एंड देयरफॉर z विल बिकम -1/2, ये z की वैल्यू आ गई। यहाँ रख देते हैं x + 1/2 -1/2 = 0, तो x प्लस ये 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी -1, है ना, x + 1 = 0, तो x = -1, एंड देयरफॉर फ्रॉम कौन सा इक्वेशन, रोमन कैपिटल 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा,
that mu frequency corresponds to, it is equal to k into length to the power x है, length to the power x है और x की value minus 1 है, तो length minus 1 into tension T to the power y है और y की value 1 by 2 है और मास पर यूनिट लेंथ की पावर z है और z की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 है. तो ये देखिए ये क्या होने जा रहा है, k को ऐसे ही रखिए, अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू, ये भी 1 अपॉन आएगा, देखो मास टू द पावर माइनस 1 बाई 2 है तो अपॉन में आएगा और 1 बाई 2 है तो अंडर रूट में आएगा, तो अपॉन m. इसको लिखेंगे सम कांस्टेंट k अपॉन लेंथ इनटू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर बच्चों, है कि नहीं. तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला डिराइव करोगे. तो T जो है वो टेंशन, म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है. बस इस फॉर्मूले को आपको अलग से ध्यान में रखना है, टेंशन मतलब ही फोर्स होता है ये ध्यान में रखना है, और ये जो स्मॉल m है ये मास ना होते हुए मास पर यूनिट लेंथ है, ये एक अलग बात हुई. तीन चीजें हैं जो प्रेशराइज पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के, कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स, और फिर एक बार मास पर यूनिट लेंथ इज मास अपॉन लेंथ होता है. बाकी आप इस क्वेश्चन को डिराइव कर चुके हो, आप उसको समझ चुके हो. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे ज़रूर पोस्ट करिए, बिंदास आप मुझे बताइएगा. चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है, अब जो भी आपके कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स थे कवर हो चुके हैं. आज का क्लास छोटा है पर इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू.